बस 5 घंटे और, उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जो आज तक यूपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यहां तक कि पूरे देश में सरकार किसी की भी रही हो लेकिन कोई जहमत नहीं उठा पाया, ना अखिलेश यादव सोच सके, ना मायावती उस दिशा में कोई कदम उठा सके, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक हिंदू शेर ने डंके की चोट पर यह भी कर दिखाया। अरे भाई, दम है इस बंदे में, डरता नहीं है किसी से और डंके की चोट पर ऐसे फैसले लेता है। यही कारण है कि आज भी देश में चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चारों तरफ इस भगवाधारी का डंका बजता है। हर कोई इन्हें सलाम करता है, कहता है सीएम हो तो योगी जैसा। और ऐसा क्यों है, उसके पीछे का आज एक बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। आखिर योगी आदित्यनाथ 5 घंटे बाद ऐसा कौन सा कदम उठाने वाले हैं जिससे मोदी का एक बड़ा सपना साकार होने वाला है, और आखिरकार उन लोगों की पोल भी खुल जाएगी जो दूसरों के इशारे पर नाचते हैं, जो विरोधियों की गोद में बैठकर उनके लिए काम करते हैं और योगी को लाल आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कारण बताऊं, लेकिन उससे पहले जरा मुझे यह बताइए, क्या आप भी यह मानते हैं कि आज भी देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी तो सरकार देती है 10,000 रुपए और उनकी प्रॉपर्टी होती है करोड़ों की? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि आज भी कई ऐसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जो विरोधियों के इशारे पर नाचते हैं और किसी के कहने पर पैसों की आड़ में भ्रष्टाचार के खेल में वो काम करते हैं? तभी तो 10-10, 15,000 की क्लर्क और डी ग्रेड की नौकरी करने वाले भी कई लोग हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति पर राज करते हैं। यही तो योगी जानना चाहते थे ना, यही है मसला। योगी ने उस दिन ये बात तय कर ली थी जिस दिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव परिणाम आए थे। इसके बाद योगी ने पूरे प्रदेश के अंदर अपनी सेना उतार दी थी, वो सेना जो ग्राउंड पर जाकर सर्वे कर रही थी, पता लगा रही थी कि महाराज को अगर हराया तो हराया किसने और क्यों हराया। जब कारण पता चला तो उसमें एक कारण ऐसा था जिसने योगी आदित्यनाथ को परेशान कर दिया था। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए योगी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये बंदा सोता नहीं है। 3 बजे इसके आवास पर घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं और रात के 12-12, 1-1 बजे तक मीटिंगें लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ को ऐसे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हराने का काम कर रहे थे जो इसकी आड़ में खेलते हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, पैसों की पत्ती, पीछे से जेब गरम और उसी के इशारे पर वो नाचते काम करते हैं। योगी को हराने चले थे ना, एक झटके में योगी आदित्यनाथ ने उन सब का ब्यौरा मांग लिया, कह दिया कि मुझे बताइए कि आप 10,000 कमाते हैं लेकिन आपके पास कितनी संपत्ति है, मुझे बताइए आपकी संपत्ति का विवरण क्या है, और यह भी बताइए कि आखिर इतना पैसा लाते कहां से है, कम से कम पता तो चले। और जो लोग डर रहे हैं, अभी भी आप ये आंकड़ा देखिए, करीब 8.5 लाख कर्मचारियों में से महज 4.5 लाख के आसपास ही अपना ब्योरा दे पाए हैं। बाकियों को क्या डर है भाई, किस बात का डर है? क्या इस बात का डर है कि जब पोल खुलेगी तो पता चल जाएगा कि अखिलेश के राज में, माया के राज में, मुलायम के राज में कितना पैसा कमाया है? अब योगी उसे दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, हिसाब चुकता करेंगे और भ्रष्टाचारियों पर ऐसा डंडा चलाएंगे कि उनकी 7 पुश्ते भी याद रखेंगी। मेरा यह खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी जिंदगी में कई ऐसी खबरें पढ़ी जहां मैंने यह देखा कि एक बाबू जिसकी सरकार की तरफ से सैलरी तो महज 15-18 हजार होती है लेकिन उसकी करोड़ों की आलीशान कोठी है, उस आलीशान कोठी में थिएटर तक है। यह जबलपुर की एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं। जबलपुर में एक सरकारी बाबू के यहां इतनी संपत्ति के अधिकारियों की आंखें चौंधिया गई और उसकी सैलरी सरकार की तरफ से पता है कितनी है, महज 18 हजार। तो यह पैसा आया कहां से, किसके इशारे पर आया? और यही जो लोग हैं वो न सिर्फ जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार का काला खेल खेलते हैं, वो सरकार की छवि को भी धूमिल करते हैं और किसी के इशारे पर सरकार से पंगा लेने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन भूल गए जनाब, ये यूपी है, यहां योगी का राज है और यहां कानून का भी राज है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने एक साथ उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट मंगा ली, अधिकारियों से रात भर मीटिंग ली और कहा
कि मुझे 31 तारीख तक हर किसी की संपत्ति का विवरण चाहिए, और अगर संपत्ति का विवरण नहीं मिला तो जानते हैं क्या होगा, सैलरी रोक दी जाएगी, सैलरी नहीं आएगी जनाब, और एक महीने नहीं आएगी, दो महीने नहीं आएगी, तीसरे महीने तो खुद ही बिलबिला उठेंगे, क्योंकि जो काला धन कमाए थे ना वो तो सब गड़वा दिए हैं, वो तो पूरा संपत्ति में लगा दिए हैं, तो अब खाएंगे कैसे। और धीरे धीरे करके इसके पीछे का मेन मकसद है कि उन सब की पोल खोलना जो भ्रष्टाचार की काली कमाई से आलिशान बंगला कोठी बनाते हैं, जनता को लूटते हैं, और जनता जाती है कि साहब हमारा ये काम कर दो, तो वो पैसों की डिमांड करते हैं। इसके अलावा सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज की गोद में भी बैठकर वो कहीं ना कहीं सरकार से पंगा लेने की कोशिश करते हैं। अरे योगी राज में आपका धंधा पानी क्या बंद हुआ, बिलबिलाने लगे, योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश रचने लगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, महज 5 घंटे बाद योगी सरकार का ऐसा आदेश आने वाला है जिसके चलते प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों की सैलरी रुकने वाली है। आज तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऐसा इसलिए किया है जिससे भ्रष्टाचार की कलई खुल के रख जाए। जरा सोचिए आखिर इसमें से करीब 4.5 लाख कर्मचारी क्यों अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे, किस बात का उन्हें डर है, कहीं 2 नंबर का पैसा तो नहीं है। क्या आप भी योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से सहमत हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या आप ये मानते हैं कि इसी तरीके का फैसला देश के बाकी राज्यों में भी लागू होना चाहिए, योगी के इस फैसले पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अब मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ का वो कौन सा आदेश है जो इस वक्त कई लोगों की नींद को हराम कर चुका है। यह खबर है कि प्रदेश के करीब 8,34,000 कर्मचारियों में से करीब 4,87,000 कर्मियों ने तो अब तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति डिटेल दर्ज नहीं कराई है, यानी करीब 5 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो डर के छिप रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई, आपको अपनी जानकारी देने में क्या परेशानी है, कोई आपको कुछ कह तो नहीं रहा, क्या इसके पीछे आप भी मानते हैं कि 2 नंबर के पैसों का खेल है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सरकारी काम से एक ऑफिस गए हो और वहां पर आपसे पैसों की डिमांड की गई हो, भ्रष्टाचार की बात की गई हो। अगर ऐसा आपके साथ भी जीवन में कोई वाक्य हुआ हो तो उसे भी कमेंट कर हमें जरूर बताएं, ताकि यह जानकारी हर किसी तक पहुंच सके कि आखिर भ्रष्टाचार पर मोदी के सपने को कैसे योगी आदित्यनाथ साकार कर रहे हैं। और इसके लिए 31 अगस्त रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी गई है। अगर राज्य के कर्मचारी निर्धारित समय तक अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं देते हैं तो उन्हें अगस्त महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। जी हां, आप कमाते होंगे 20,000, आप कमाते होंगे 2 लाख, आप कमाते होंगे चाहे 10 लाख, योगी सैलरी नहीं देंगे बाबा। अगर आपने अपनी जानकारी नहीं दी तो भूल जाइए, योगी सरकार से आपकी सैलरी भी आएगी। ऐसे ही कोई फैसला नहीं लेते ही। आप सोच रहे होंगे कि वो सैलरी रोक कर मान जाएंगे, अरे योगी चुप बैठते नहीं है, ये तो एक स्ट्रेटेजी है, इसे भी जरा मैं आपके सामने डिकोड करता हूं। देखिए, जो लोग अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे वो सीधे तौर पर सरकार की आंखों में खटक जाएंगे, यानी योगी आदित्यनाथ की रडार पर आ जाएंगे। अब उनकी सैलरी तो रोकी ही जाएगी, साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि आखिर उन लोगों ने अपनी डिटेल क्यों नहीं दी है। अब उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में क्लियर हो जाएगा किसी कारणवश वो अपनी जानकारी नहीं दे पाए, उनकी जानकारी अपडेट होने के बाद बचेंगे कुछ लोग, उन तक भी सरकार पहुंचेगी और फिर उन्हें भी ऑर्डर दिया जाएगा कि अपनी जानकारी पहुंचाई जाए। धीरे धीरे करके ये लेयर छटती जाएगी और उसके बाद जो भी लोग बचेंगे, मान लीजिए कि करीब 1 लाख कर्मचारी ऐसे बचे जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, और फिर शुरू होगा योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा एक्शन। जी हां, इन लोगों की छटनी कर इन्हें ऐसा छाटा जाए कि इनके अच्छे से नानी याद आ जाएगी, पता चल जाएगा कि आखिर इतनी संपत्ति इन्होंने कहां से अर्जित की है, इनके सारे कागजात खंगाले जाएंगे, इनके 4 पुश्तों की पूरी डिटेल निकलवाई जाएगी, और उसके बाद अगर गलती से भी ये पता चल गया कि भैया किसी की गोद में बैठकर किसी के इशारे पर लट्टू की तरह नाच रहे हो, जनता से लूटकर ये आपने महंगी कोठी खड़ी की है, तो फिर बुलडोजर भी गरजेगा। और आप देखेंगे जब ऐसा फैसला आएगा ना तो आपको उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जगह जगह बुलडोजर गरजता दिखेगा, क्योंकि बाबा हर किसी का
हिसाब करते हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने कोई भी क्यों ना हो, कोई भी अपराधी क्यों ना हो, उसने भ्रष्टाचार किया हो, उसने किसी के साथ गलत काम किया हो, उसने उत्तर प्रदेश की महिलाओं बेटियों की तरफ गलत तरीके से देखा भी हो ना, तो उसके भी आंख निकाल कर गोटियां खेलने का काम योगी आदित्यनाथ करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया गया है, यानी सरकार की ओर से जारी आदेश में पुलिस कर्मियों को भी अपनी संपत्ति का विवरण जारी करने का आदेश दिया गया है। अपनी संपत्ति की जानकारी ना देने वाले पुलिस कर्मियों का वेतन रुक जाएगा। पुलिस कर्मियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। दरअसल संपत्ति की जानकारी देने का आज आखिरी दिन है और यहां से महज कुछ घंटे ही बचे हैं। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक सभी पुलिस कर्मियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। आईपीएस और पीपीएस अफसर पहले से ही हर साल अपनी संपत्तियों की जानकारी देते हैं और इससे अब पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था उस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और यही योगी सरकार का मेन मकसद भी है। दोस्तों, क्या आप भी योगी सरकार के इस फैसले से सहमत हैं और क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ का ये भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार है? क्या आप उनके इस फैसले को मानते हैं कि बाकी राज्यों में भी लागू कर देना चाहिए? वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, हमें समर्थन दें।